नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति का। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। पिता अपनी बेटी तुलसी को न्याय की गुहार लगाने पहुंचे एसपी ऑफिस। सारनगढ़ बिलाईगढ़ जिले के आने वाले गांव पंडरीपानी में हुए संदिग्ध मौत पर उनके मायके वालों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाकर लिखित शिकायत व न्याय की गुहार लगाई है। कमर प्रसाद खुराना का कहना है कि मेरी बेटी तुलसी को उनके ससुराल वालों जब से शादी हुई तब से दहेज को लेकर लड़ाई झगड़ा करते थे। आए दिन मारपीट, गाली गलौज कर मानसिक रूप से परेशान करते थे। मेरी बेटी तुलसी बार बार फोन के माध्यम से मुझे अवगत कराती थी कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैं अपनी बेटी को समझा देता था कि अभी रुको, सब ठीक हो जाएगा करके बोलता था। साथ ही मेरी बेटी 2 माह की गर्भवती थी जिससे उनके ससुराल पक्ष वालों ने गर्भपात करवा दिया, जिससे उसे कमर में दर्द व बुखार था जिसकी दवाई व इंजेक्शन चल रहा था। उसके 24-25 दिनों बाद मेरी लड़की को जहरीली दवाएं की अधिक मात्रा खिलाकर आत्महत्या करने को मजबूर कर दिया। फिर दिनांक 30/11/2024 को दामाद रूप नारायण के द्वारा सूचना दिया गया कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, तो हमने आनन फानन में अस्पताल गए। जैसे अस्पताल पहुंचे तो हमारी बेटी की मौत हो गई थी। फिर ससुराल पक्ष वाले जल्दी पोस्टमार्टम कराकर लाश को जलाकर हमारे रिश्तेदार अपने बेटी को देख नहीं पाए। पुलिस अधीक्षक महोदय से न्याय की गुहार मांगी और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सारंगढ़ से संवाददाता अशोक मनहर की रिपोर्ट। घटना के बारे में कुछ घटना के साथ मेरी दीदी बोल रही थी कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मेरे को बहुत हट कर रहे हैं और बोल रही थी कि दहेज नहीं दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ तक नहीं रहूंगी। बोल दहेज मांग रहे थे, नगद 1 लाख मांग रहे थे और बाइक भी, तो हम लोग बोले अभी रहने दो, बाद में देखेंगे, अच्छे से अभी रहो फिर उसके बाद देखेंगे बोल रही थी। तो उन लोग ना पता नहीं अच्छे से नहीं रख रहे थे और उसके पति और उसके जो है ना क्या बोलते हैं परिवार वाले पूरा मेरे दीदी को ना बहुत हार्ट कर रहे, इसलिए मेरी दीदी को ना उन लोग मार दिए। किस प्रकार से मौत हुआ उनका? उसका मतलब जहरीली दवाई खा कर ना उसको मार दी। क्या चाहते हैं आप लोग अभी? अभी हम लोग चाहते हैं न्याय चाहिए हम लोग। आए दिन कुछ न कुछ उन लोग कर रहे थे और बता रहे थे मेरे को बहुत इन लोग हट कर रहे थे और इन लोग बोल रहे थे कि जीजा बोल रही थी तू दूसरी मेरे लिए लड़की ढूंढ और मेरे लिए शादी करवा, बोल रहे थे ऐसे बोल रहे। उसके रहते हुए बावजूद उन लोग बोल रहे थे कि तू दूसरी मेरे लिए लड़की ढूंढ और शादी करवा, ऐसे बोल रहे थे मेरी दीदी को, जीजा ही बोल रहे। कहेंगे आप एसपी आपके पहुंचे हुए हैं, क्या मामला? मेरी बेटी की मौत हो गई उसके लिए मैं आया हूं यहां पर, तो यहां पर आवेदन दिए हैं। पंडरीपाली में शादी कर पानी में शादी किए थे। शादी कब हुआ था? शादी 30 मार्च 2024 को शादी हुआ था। बताएं घटना के बारे में, बताएं किस प्रकार से घटना घटा है, आप क्या चाहते हो? घटना पहले शादी हुए थे, उसके बाद वो लोग प्रताड़ित कर रहे थे मेरी बेटी को। प्रताड़ित करने के बाद मेरी बेटी ने बोला कि यहाँ से ले जाकर कर बोले थे, मैं संतान दिया उसको, बेटी अभी रहने दो, फिर बाद में उसको लाएंगे, ज़्यादा नहीं चले गए तो उसमें बोला कि ठीक है पापा, कर वो बोल दिए। बोलने के बाद अभी घटना बीच में हुआ तो प्रेजेंसी था उसका, गर्भवती 2 माह का, उसका अबोसन करा दिया। उसके बाद 25 दिन के बाद फिर उसको जहरीली दवाई पिलाकर मार दिया। पिलाकर कब की घटना है ये? 30 नंबर का घटना है। अभी यहाँ पर ज्ञापन सब में आया हो तो क्या बोले अधिकारी लोग? बोले कि यहाँ पर जो पीएम रिपोर्ट आएगा उसके बाद कार्यवाही किया जाएगी। आप क्या चाहते हो? मैं इसका न्याय चाहता हूँ, मुझको किसी भी प्रकार की इसका न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि तो हत्यारे हैं उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिलने की मैं मांग चाहता हूँ। मेरी बेटी बहुत परेशान थी, प्रताड़ित कर रहे थे उसके लिए, उसकी मौत हो गई, इसके लिए मुझको न्याय चाहिए यहाँ पर,
जितने हथियार हैं उसके सबको सजा मिलना चाहिए। बताएंगे, परिचय बताएंगे। मेरा नाम कमल प्रसाद खुराना है, ग्राम पंडरपाली, थाना सरसीमा, तहसील सारंगढ़ विलाईगढ़। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।